हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो यार नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन विद रिमाइंडर। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने डिवीजन विदाउट रिमाइंडर, मींस उसमें हमारे पास रिमाइंडर हमेशा जीरो होता था, हमने वैसे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो है वो रिमाइंडर भी आएगा। सो है अगर हमने जो है वो अपने रिमाइंड जो क्वेश्चन है उनकी वेरीफिकेशन करें तो हम कैसे करेंगे। सो है वेरीफिकेशन, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जिन क्वेश्चन में हमारे पास रिमाइंडर बचता है उनमें हम क्या करते हैं, डिविडेंड को किसके इक्वल होना चाहिए, डिविडेंड डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। लास्ट हमने जो विदाउट रिमाइंडर वाले क्वेश्चन पढ़े थे उनमें क्या था, हमारा डिविडेंड था वो डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन के बराबर था, लेकिन जिन क्वेश्चन में रिमाइंडर भी होता है उसमें हमें रिमाइंडर भी ऐड करना पड़ता है। सो हेयर फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.4, फर्स्ट क्वेश्चन 23 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड द टू फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, इसमें हमने क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने हैं। सो हेयर 2 वन जा 2, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 0। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 3, 2 वन जा 2, क्यों 2 2 4 होते हैं तो 4 तो 3 से बड़े हैं तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। 2 वन जा 2, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1। अब 1 जो है वो 2 से छोटा है इसलिए हम 1 को तो 2 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्वोशेंट आया, 11 एंड रिमाइंडर आया 1। रिमाइंडर आया हमारे पास 1। एज इट इज़ आपके नेक्स्ट के क्वेश्चन हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं 6 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट हमारे पास जैसे 3 डिजिट वाले नंबर हैं 242, सेकंड है 243 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम 243 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन जा 2, 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 0। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आई 4। अब 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, तो हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया, 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 0। नेक्स्ट टर्म हमने ब्रिंग आउट की, नेक्स्ट चीज 3, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4। सो हेयर 2 वन जा 2, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया 121 एंड रिमाइंडर आया 1। एज इट इज़ आपके जो क्वेश्चन हैं 16 तक वो आपके 3 डिजिट में है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन जो है 4 डिजिट वाला जो है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सो हेयर 17 क्वेश्चन इज 2000, सो हेयर 2 वन जा 2, 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 0। नेक्स्ट हम ब्रिंग डाउन की 4, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 टू जा 4, अगेन 4 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 0। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 8, 2 टू जा 2, 4 जा 8, तो 2 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 8, 8 से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 0। नेक्स्ट टर्म हमने ब्रिंग आउट की, नेक्स्ट इज 5, सो हेयर 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 3 जा 6। अब 6 तो 5 से बड़े तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 टू जा 4, अब 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 1। सो हेयर हमारे पास क्वेश्चन आ गया 1242 एंड रिमाइंडर आ गया 1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि हमने जो रिमाइंडर वाले डिवाइड के क्वेश्चन हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, अदरवाइज आपने बाकी क्वेश्चन जो सेम एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।